हाय गाइस, आज मैं आपको सुनाऊंगी एक बंदर और मगरमच्छ और उसकी बीबी की कहानी। तो सुनाती हूँ। यस, स्टार्ट, रेडी स्टेडी एंड गो। स्टार्ट करते। एक बार की बात है, एक नदी के किनारे एक पेड़ था जामुन का। उस पेड़ की जामुन एक मगरमच्छ और एक अंजी नाम का बंदर खाता था। और एक दिन अंजी ने बोला, दोस्त, वो मगरमच्छ उसका दोस्त था, ने बोला, है ना, रोज हम दोनों ही खाते हैं, आज कुछ जामुन भाभी के लिए भी ले जाओ। तो वो ले गया अपने मुंह में पकड़ के। उसने उसके भाभी ने बोला, वाह, ये तो बहुत मीठे हैं, किसने दिए? मेरे दोस्त अंजी ने, हम रोज ये जामुन खाते हैं। तो आज मेरे दोस्त ने बोला, आज कुछ जामुन भाभी के लिए भी ले जाओ। तो वो लेकर उसकी उसकी बीबी ने सोचा, वो बंदर रोज ये जामुन मीठे हैं, तो वो बंदर का जिगर भी मीठा होगा। एक दिन मगरमच्छ की बीबी की तबीयत खराब हो गई। वो ऐसे ही नाटक कर रही थी। उसने बोला, वेद ने बोला है नंजिक बंदर का जिगन खाने से ही ठीक होती है ये। तो उसने बोला, मगर ने बोला मैं वो मेरा सच्चा दोस्त है, मैं उसका जिगर नहीं लाऊंगा। तो बोला, आप मुझसे प्यार नहीं करते तब नहीं ला। उसने बोला, रो मत, कुछ ना कुछ करके ले आता हूँ। तो वो गया। तो बोला, दोस्त, आज तुझे हमारे घर दावत पे आना है। तब क्या हुआ, वो उसने बोला, मुझे तो तैरना आता है नहीं, मैं कैसे आऊँगा, मैं अपनी पीठ पे बिठा के तुम्हें ध्यान से ले जाऊंगा। तब वो ले जाने लगा। उसने बीच में बोला, दोस्त, माफ करो, तुम्हारी भाभी की तबीयत खराब है। तो उसने बोला, वेद ने बोला है बंदर का जिगन खाने से ही ठीक होती है ये। उसने बोला, मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मेरा जिगन तो पेड़ पे पड़ा है, वो भीग ना जाए। तो फिर उसने बोला, वापस चल के लेते हैं। तो वो वापस चला। बाद में वो पूछा, उस बंदर ने बोला, मुझे नहीं पता था तुम ऐसे धोखेबाज हो। तब उसने क्या बोला, वो घर चला गया। हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है, धोखेबाज के दोस्त नहीं बनना चाहिए और अपनी बुद्धि से काम देना चाहिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट करिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए। बाय, थैंक यू।